नमस्कार, मैं हूं बिट्टू राजपूत और आप देख रहे हैं सेकंड न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकंड न्यूज में। आज 22 मार्च रविवार है और आज जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, आप कैमरामैन से मैं कहूंगा थोड़ा सा दिखा दे, तो आप देख सकते हैं यहां पर दुकानें बंद हैं, बस स्टैंड बंद है, तो बसें हैं वो कुछ बसें अभी गंगानगर स्टेशन पर बंद कर दी गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानें हैं हर तरफ आपको बंद दिखाई दे रही हैं। थोड़ा आपको दिखा देते हैं, दुकानें दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पर सुनसान सड़कें दिखाई दे रही हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। जी हाँ जी सर, नमस्कार सर, कैसे सर आप पालन कर रहे हैं इनका? पालन कर ही रहे, मीटिंग है साहब। हाँ जी, मीटिंग है साहब। अच्छा, मीटिंग है। हाँ जी, अच्छा। आप सर कैसे यहाँ पर अभी आए हैं? अच्छा, आप पालन नहीं कर रहे क्या? पालन कर रहे हैं। अच्छा, आप सर कैसे? दवाई लेने आए। सॉरी सर, सॉरी सर, जनता कर्फ्यू चल रहा है सर, अगर हम पालन करेंगे तो तू आपने मेरे दो बेटे। हाँ जी, हमारा तो सर काम है, हमारा तो काम है सर, हमारा काम है, हमारा सर काम है, तो हम तो आ सकते हैं। डॉक्टर और पुलिस वाले और मीडिया को छूट है, हमें आना ही पड़ेगा, हमारा काम है। और सर ये चेन टूटेगी तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, सभी स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा कृपा करके जैसे आदेश हैं उनको माने, तभी हम। हाँ जी, वही बात है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पालन कर रहे हैं इन बातों का, और जनता कर्फ्यू का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हम मेडिकल स्टोर दिखा देते हैं आपको। चलिए आए, आ जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें ज़्यादातर बंद हैं, कुछ हालांकि कुछ दुकानें ओपन है जो मेडिकल स्टोर है या फिर कुछ परचून की दुकानें हैं जिन पर हमें ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, वो कुछ ओपन है, मेडिकल स्टोर वाली दुकानें ओपन हैं, तो हमारी सहूलियत के लिए कुछ दुकानें ओपन हैं। तो ज़्यादातर लोग इनका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने निजी काम के लिए हो सकते हैं। चलिए हम मेडिकल स्टोर में कुछ बात करते हैं और देखते हैं मास्क की कीमत कितनी रहने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, मास्क मिल जाएंगे सर? नहीं, मास्क नहीं मिलेंगे। अगर मान लो कोई ग्राहक आता है फिर? सरकारी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, उनके वहाँ पे मास्क अवेलेबल है, हमारे पास मास्क है। अच्छा, कहाँ पे भेज रहे हो? सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपके पास मास्क है सर? अच्छा, चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर मेडिकल स्टोर में कह रहे हैं कि मास्क नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा था कुछ लोग यहाँ से मास्क लेके जा रहे थे, और एक मास्क की जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने पहना हुआ है, दिखा दे थोड़ा कैमरा मैन आगे। तो इस मास्क की कीमत जो बताई जा रही है वो 25 रुपये है, और जो ब्लैक वाला आप ले रहे हैं वो 150 का है। तो इस कीमत से बेचा जा रहा है, लेकिन अभी बताया नहीं जा रहा है कि मास्क है या फिर नहीं है। वो 150 मांग रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसने 50 ही लिए हैं तो 30% तो सीधे छोड़ दिए ना। छोड़ तो दिए, लेकिन अभी वो नहीं दिखा रहे हैं ना मास्क। वो दिखा नहीं, क्या पता उनके पास नीचे पड़ा। जिनको पता नहीं है ना वो उनसे ज्यादा लूटा जा रहा है। इन्होंने लिए, इनको पूछो कितने। आपने कितने का लिया? 20 रुपए का। अरे वो 50 को ही है, 50 को। नहीं, ये कितने का है? ये 20 रुपए का। 20 का है, लेकिन वो 150 का माना जा रहा है कि 150 का है। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पदमपुर में। अभी हम वहाँ से पूछ के आए, 150 का बोला जा रहा है और ये 20 रुपए का बोला, ये 25 रुपए का बताया है अभी। 20 रुपए का। 20 रुपए का, चलो ठीक है। 50 रुपए का ही है बाजार में, ये बता दो। लेकिन ये 20 रुपए का नहीं है। क्यों नहीं है? 20 रुपए का है। 20 का नहीं, तो परसों लिया है, थोड़ी लिया है, पर कहते हैं कि उसका रेट इतना नहीं है। आपको कितने का दिया है? 30 रुपए का दे रहे हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये मास्क आपको 30-30 रुपए में मिल रहे हैं। तो इस वक्त हम आ चुके हैं भारत गैस ACEC गैस सर्विस के पास। फिलहाल के लिए अभी आपको दिखा दें, ये खुली हुई है, दिखा दे थोड़ा, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखा दे। ये खुली हुई है, जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो फिलहाल के लिए सरकार ने खोल के रखी हुई है, मेडिकल हो या फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर गैस सिलेंडर है, इनकी जो एजेंसियां हैं वो खोल रखी है। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। ये फिलहाल के लिए खोल रखी है? जी बिल्कुल खोल रखी है। तो परमिशन है जी आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल परमिशन है जी। तो ग्राहक कोई आ रहे हैं क्या? ग्राहक तो सर बहुत कम आ रहे हैं।
अच्छा यहाँ पर, लेकिन हमारे जो ऑटो वगैरह है लोगों होम डिलीवरी दे रहे हैं घर पर जाके, और सेफ्टी के लिए उसको मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है हाथ में सफाई का रखने के लिए, और अवेयरनेस लोगों को भी कर रहे हैं कि आप ध्यान रखिए इस बात का। यही है सर कि जो भी है इसके जितना अपने बचाव कर सकते हैं उतना करना चाहिए जी सर, और अवेयरनेस पूरा जानकारी चाहिए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जागरूक करना चाहिए इस बारे में, और जो इसका इलाज नहीं है तो इसका बचाव ही फायदे का है। आपका नाम सर? नरेंद्र शर्मा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, अपने काम पे भी डटे हुए हैं, हम देख सकते हैं दुकानें ज़्यादातर बंद है लेकिन ये अपने काम पे डटे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छी सलाह दे रहे हैं कि सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी आपने मास्क पहना है, ये कितने का लिया है? सर हमने 50 रुपीज़ का लिया। आपको लगता है कि ये 50 रुपीज़ का है? ये हम इस बारे में अभी वो नहीं बता सकता मैं कितने का है कितने का नहीं है, क्योंकि पहले तो यूज़ किया नहीं कभी, अभी फ़िलहाल अभी लिया है। तो आपको बता दें मार्केट में ज़्यादातर मास्क बेचे जा रहे हैं वो 150 से ऊपर के बेचे जा रहे हैं, और कुछ नॉर्मल होते हैं जो आपको 5-10 रुपये में मिल जाते हैं, वो 30-30 रुपये में बेचे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मास्क 150 रुपये में बेचा जा रहा है, लेकिन ये आपको सिर्फ 15 रुपये में मिल जाता है। अगर ऐसा आपको कहीं भी दिखाई देता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आपसे इनसे मिलकर अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया ये काम कर रहे हैं। कुछ और लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मनजीत सिंह। सर आप कौन सी पोस्ट पे हो? वारंट फोर्स ऑफिस एग्जीक्यूटिव। तो आप सावधानियां बरत रहे हैं? बिल्कुल जी, मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइजर पास में पड़ा है। तो आप 20-25 मिनट बाद भी यहाँ पे रखा हुआ है? 20-25 मिनट बाद करीबन हाथ वॉश कर लेते हैं, और करीबन जो भी कस्टमर आ रहा है उसको कहते हैं कि वहाँ से बात करें, करीबन हो सके थोड़े दूर से बात करें। तो मतलब पूरी सावधानियाँ बरती जा रही हैं? बिल्कुल, फिर जब इलाज नहीं है तो फिर सावधानी इलाज है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं थोड़ा कैमरामैन पीछे दिखा दे, सभी ने मास्क पहना हुआ है और सभी सावधानियाँ बरत रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे ही सभी अगर नागरिक जिम्मेदार रहेंगे तो वास्तव में भारत इस बीमारी को हरा सकता है। तो कुल मिलाकर जनता कर्फ्यू का काफ़ी अच्छे से पालन किया जा रहा है, लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, दुकानें बंद हैं, हालांकि कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कामयाबी की ओर जनता कर्फ्यू बढ़ रहा है, अगर ये कामयाब रहता है तो ये चेन टूटेगी, और अगर चेन टूटेगी तो काफ़ी बढ़िया रहेगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर चेन टूटती है तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो कल राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी कि आज से यानी 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये लॉकडाउन रहने वाला है, जिसमें कुछ हमें ज़रूरी चीज़ें तो मिल सकती हैं जैसे सिलेंडर है, या फिर हम बात करें मेडिकल, या फिर बात करें खाने पीने की चीज़ें, ये हमें मिल जाएगी। लेकिन और जैसे दुकानें हैं आप देख सकते हैं, जैसे आज आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है हर तरफ बंद है, जैसे आज जनता कर्फ्यू के दौरान आप देख सकते हैं हर तरफ आपको लॉकडाउन दिखाई दे रहा है, सब दुकानें बंद है, वैसे ही 31 मार्च तक ये सब रहने वाला है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पल पल की खबर, पल पल की अपडेट हम यहाँ पर आपको देते रहेंगे। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज शाम 5 बजे आपने पुलिस का, मीडिया का, जो हमारे लिए तत्पर हैं अभी भी, जो हमारे लिए लगे हुए हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए, जो भी सहायक कर्मी लगे हुए हैं उनको आपने अप्रिशिएट करना है, वो अप्रिशिएट आपने थाली ताली या फिर आप घंटी बजाकर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में ऐसा कर रहे हैं तो एक वीडियो बनाकर आप हमें सेंड कर सकते हैं, वो वीडियो हम अपने चैनल पर जरूर डालेंगे। तो आप हमारा नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, ठीक इसी नंबर पर आपने वीडियो बनाकर भेजना है और हम दर्शकों को वो वीडियो जरूर दिखाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए अभी सेकंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।